हाय गाइस, बहुत अच्छी वाली गुड आफ्टरनून। क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक हो गई है, थोड़ी सी क्या ठीक हो गई है, मगर जुकाम पकड़ लिया है बहुत तेजी से। और जस्ट अभी चाय पी है मैंने, कप हटा दिया मैंने। और रात को नींद नहीं आई अच्छी तरह से, और लेटे लेटे जब देख रही थी तो दिख रहा था कि लाइट हो गई है, सुबह होने वाली है, तो नींद आई नहीं ठीक से। क्योंकि मेड को आना था तो मैं 6 बजे का वेट कर रही थी, तो नींद लगी नहीं मेरे को ठीक से। और उसके काम करने के बाद जब वो गई है तब मैं उठी हूँ। फिर उसके बाद मैंने घड़ी देखा है तो 2:30 बज रहा था। और सुबह सुबह एक आलू का पराठा, कल का आलू का मसाला बचा हुआ था तो उसका एक आलू का पराठा मैंने खा लिया था एक बना के। क्योंकि अगर लेटे हुए हैं और आपको दिमाग में आ गया ना कि आलू का मसाला रखा है या आलू का पराठा खाना है, तो दिमाग में वो घूमता रहता है, फिर आपको नींद नहीं आती। कल जो मैंने वो इडली खाया था, इडली खाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। रात को एक आम खाया था और एक सेब खाया था, बस खा के सो गई थी। सो क्या गई थी, नींद ही नहीं आई थी, लेट के सोने की कोशिश कर रही थी। और सुबह 6 बजे मेरा मन किया कि मैं पराठा खाऊं, तो मैंने एक आलू का पराठा बना के खाया। और उसको खाने के बाद जो मेरे को नींद आई है ना, वो मैं 2:30 बजे उठी हूँ। उसके बाद मेरी पसंद का तोरी और घिया रखा हुआ था फ्रिज में, तो काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि तोरी बनाया जाए नींबू डाल के, तो मैंने तोरी बनाया है। क्योंकि मुंह का टेस्ट अपना ठीक करना है, तो आज मेरा मुंह का टेस्ट ठीक हो गया है। कल से जो मैं कुछ कुछ खा रही हूँ तो मुंह का टेस्ट ठीक हो गया है, तो तोरी बनाई है मैंने। और बाकी मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खा रहे हैं पालक, दाना भी डाला हुआ है उनको पेट में, और वो पालक खा रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से, आपको मालूम है मैं धनिया पत्ता और पालक लेने गई थी, तो पालक तो मिल रहा था। कई बार ये पालक खाते नहीं है, तो बड़ी वाली तो खा लेती है, छोटे जो दो बच्चे हैं ना वो नहीं खाते हैं। तो फिर कल सब्जी वाले से पालक लिया है, तो पालक वो खा रहे हैं। और बड़ी वाली दिख नहीं रही है, लगता है खा के आराम कर रही है। और बस अभी रोटी खाऊंगी, अभी नहाई नहीं हूँ। आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, नहाई नहीं हूँ अभी। खाने के बाद पानी इतना ज़्यादा गर्म आ रहा है कि मतलब हाथ नहीं लगा सकते आप नलके के नीचे। आपके शहर में भी इतना ही गर्म आ रहा होगा, बहुत गर्म पानी आ रहा है। तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा शाम हो जाएगा तब नहाऊंगी और खा के वही। एसी जब से मैंने सर्विस कराई है ना, तब से बहुत मज़ा आ रहा है, इतना ठंडा हवा आ रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने उसका टेम्परेचर पता है कितने में किया हुआ है, 27 में किया हुआ है उसका टेम्परेचर, और उसका फ़ैन 2 में किया हुआ है। और उसकी जो पंखड़ी होती है जो डायरेक्ट आपको हवा लगता है, तो उसको ऐसे करके मैंने ऊपर की तरफ किया हुआ है। इतना ठंडा हो जाता है 27 टेम्परेचर में, लोग 16-18 इस मौसम में 16-18 करके सो रहे होंगे, लेकिन मैंने 27 में टेम्परेचर किया हुआ है। और जब से वो एसी बना के गया, शायद 15 दिन हो गए आई थिंक, तो जब से बना के गया ना, वो 15 दिन से मैंने एसी का टेम्परेचर 27 किया हुआ है, और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो आप भी टेम्परेचर उतना करके देखिए, फ़ैन को तेज कर दीजिए। और हम लोग सेटिंग नहीं करते हैं ना, तो मेरे को सेटिंग का पता नहीं था, तो उसी ने जो सर्विस करने आया था ना, तो उसी ने सेटिंग कर दी थी, तो उसके बाद हवा बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस दही पता नहीं है कि नहीं है, बिना दही के तो खाना खाया नहीं जाएगा। तो तोरी में मैंने आज टमाटर नहीं डाला है, सिर्फ नींबू डाल के बनाई हूँ, और एक रोटी उसी के साथ खाऊंगी अभी चाय के साथ। 2:30 बजे, अभी पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों जो घड़ी है उसका मैंने सेल चेंज नहीं किया है। सेल एक दिन डालने लगी थी तो एक में तो देखा बिल्कुल पतला सा डला हुआ है, वो मेरे पास था नहीं, नहीं होना चाहिए। देखती हूँ खोज के, खोज के आज मेरे मुँह से निकला खोज के। हम लोग नॉर्मली वैसे बोलते हैं ना, ढूंढते हैं, तो मैंने आज मेरे मुँह से आया खोजते हैं। और जो दूसरे वाला जो घड़ी था उसके अंदर मोटा मोटा ड्यूरासेल का लेके आई थी मैं, लेकिन उसके अंदर एक और जो पहले आता था नीले रंग का जो आता था बैटरी, वो उससे साइज में छोटा था, तो मैंने लगा के देखा था तो लगा नहीं, तो उसको भी मैंने वैसे छोड़ दिया। तो कहते हैं ना घर में घड़ियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, तो आजकल मेरे घर की दोनों घड़ियाँ बंद हो रही है। पता नहीं टाइम कैसा चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि टाइम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको जो देखना है वो आप देख रहे हो, जो करना है वो कर रहे हो, और जो खाना है वो खा रहे हो। ब्लॉगिंग का कोई टाइम नहीं होता, तो घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपको अगर टाइम बताना है तो जब आप फ़ोन में ब्लॉगिंग चालू करें तब उस टाइम टाइम देख लो, बस इतना ही होता है।
चलिए तो फिर एक रोटी अपना खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। मेरा लंच आ गया है, एक रोटी, तोरी की सब्जी और नींबू पानी। दोस्तों, खाना आपको अगर अपने हाथ से बना के खाना है या मेड के भी हाथ का खाना है, तो ये आपको देखना है कि आपको कितना और कितना क्वांटिटी में खाना है और क्या खाना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि मैं बीमार से उठी हूँ तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं भाषण दे रही हूँ, बस अपना सेहत का ध्यान रखने का बता रही हूँ कि आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि बीमारी के इतने चक्रों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ब्लॉगर हो और ब्लॉग में हर चीज़ आप शेयर करते हो, तो आपका इतना फर्ज भी बनता है कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ था वो आप शेयर करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कोविड हो गया था, और हुआ क्यों था मैं वो भी बता देती हूँ। भीड़ वाली जगह में तो हम लोग जाने से बच रहे थे, जा ही नहीं रहे थे भीड़ वाली जगह में, और जहाँ तक हो सकता था मास्क और सैनिटाइज तो बहुत ज़्यादा हम लोग करते थे। लेकिन जब शुरुआत में कोविड चालू हुआ था 2 साल पहले, तब जिन्होंने अपना बचाव कर लिया था तो उनको बोला जाता था ना कि एक बार तो आपको टच करके जाएगा ही। तो हम सोचते थे कि ऐसा क्यों है, क्यों टच करेगा, तो कहते थे कि एक बार तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। हुआ ये था, हमारी सोसाइटी में ही एक शादी थी और वहां मैं कीर्तन में चली गई थी। मैं चेयर पे बैठी हुई थी, बाकी लोग नीचे बैठे हुए थे, 2-3 लोग कुछ ऊपर बैठे हुए थे। एक लेडी को वहां बुखार हुआ, वो नीचे पहले बैठी हुई थी और मेरा बगल का चेयर जो था वो खाली था, तो वो वहां आके बैठ गई। उसने सबको बोलना शुरू किया कि मुझे बुखार हो रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ के टच कर लिया, मैंने बोला आप घर जाओ और मेडिसिन लो। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि वो औरत घर क्यों नहीं जा रही थी। घर जाना चाहिए था आपको, क्योंकि कोविड इतना चल रहा है, आपके फैमिली में भी हुआ ही था, तो आपको तो इतना समझदारी दिखाना चाहिए था ना कि आपके पति को हुआ था तो वो नीचे उतरना आपका बंद हो गया था, तो आपको भी बुखार आया है, इट मीन्स आपको भी कोविड होने वाला है। आपने शायद बताया नहीं है, ना टेस्ट कराया। अभी 1 महीना हो गया है, 4 तारीख को कीर्तन था, मुझे आज जानबूझ के ये बात मेरे को बोलना पड़ रहा है कि ये खबर उस तक भी पहुंचे कि आपको जब बुखार हुआ था तो आपको वहां पे रहना नहीं चाहिए था। यही सब चीज़ें होती है जो चढ़ता है। मैं कितनी परेशानी से निकली हूँ मुझे पता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मरते मरते बची हूँ, बस शुगर बीपी लो हो जाता था, दिन भर सोती रहती थी, खा नहीं पाती थी। तो अगर पेट में आपके खाना नहीं जाएगा तो आपकी मौत तो वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि खाना आपको बहुत ज़रूरी है। अब मुझे नहीं मालूम वो लेडी किस लिए वहाँ पर बैठी हुई थी, आपको इतना बुखार हो रहा था आपको उठ के जाना चाहिए था वहाँ से, प्रसाद तो आपके घर पर ही पहुँच जाता। प्रसाद के चक्कर में लोग कीर्तन में क्यों बैठ जाते हैं मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक। जिन्होंने बुलाया था बड़े आदर सम्मान से उन्होंने बुलाया था, और जो वहाँ पे गए थे उनको बुखार पहले से ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे से आप वहाँ पे बैठे हुए थे तो आपको बुखार वहीं बैठ के हो गया है। आपको तुरंत उठ के चले जाना चाहिए था वहाँ से। पता नहीं लोगों की दिमागी हालात ऐसे क्यों नहीं होता है जो आपको पता नहीं है। बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी सोसाइटी के लोग भी देख रहे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। ये बहुत गलत बात है, आपको बुखार हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी और को भी दे देंगे। मैंने तो झेला ना इस बात को, अब मैं तुम्हें जाके बोलूँ कैसे? गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के देख लिया था कि तुमको बुखार है। बहुत गलत बात है, अगर आपको बुखार था तो आपको घर चले जाना चाहिए था। एनी हाउ, अब मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैं ये बात मैं 1 महीने से बता नहीं पाई थी और मुझे ध्यान नहीं रहता बताने का, तो मैंने सोचा कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपके गले में थोड़ा सा भी खराश होता है और भूख प्यास बंद हो जाती है, शुगर बीपी लेवल लो होता है, आपको खूब सारा नींद आएगा, तो इसका मतलब बीपी लो है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आपके फैमिली में किसी को ऐसा है तो पूरा चेकअप कराइए रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे चेकअप कराना है। घर वालों ने कहा कि चेकअप कराओ, तो सेम डे वो लोग चेकअप करके आपको रिजल्ट आपके व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। तो फिर जब व्हाट्सएप पे पता लगा तो घर वालों ने देखा कि मुझे कोविड है, फिर वो
उन्होंने ही सारा कुछ किया मेरा, टाइम से खाना पीना और मेडिसिन दिया मुझे, एक हफ्ते का मेडिसिन था जिसको मैं खा के ठीक हो गई थी, और खाना वाना खाने लगी थी, लेकिन इतना भी नहीं जितना कल से आज तक मैं खा रही हूँ। तो मैंने 2-3 दिन पहले लिखा था कि दुआओं में याद रखना, तो मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे बहुत सारी विशेष दी है, जिसकी वजह से मैं जिस दिन मैंने ये ब्लॉग डाला था कि दुआओं में याद रखना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं अभी आज ठीक ठाक उठ गई हूँ। तो आज मैंने खाना बना के भी खाया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और कोविड अगर होता है आपको तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि दूसरों की मदद मिले, दूसरों को मदद मिले। ये नहीं है कि आपको कोविड वाला तो आप छुपा लें, वो शर्म वाली चीज़ नहीं है। लोगों को मैं देखती हूँ शुगर होता है, बीपी होता है, तो भी लोग छुपाते हैं। छुपाने की कोई वजह नहीं है, जो आपको है तो आप ही झेलोगे ना, दूसरा कोई थोड़ी झेलेगा, या कोई दूरी बना के थोड़ी रख लेगा। आपकी फैमिली आपके साथ रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, किसी की परवाह भी नहीं करना है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो आपके अपने भी ठीक रहेंगे। बस मुझे यही शेयर करना था, उसके बाद शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। और आपको टाइम मिले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।